गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई। लो जी, 9 बज गए और हम आ गए। आप लोगों ने पिछली क्लास में कमेंट्स कर रखे थे कि मैम एग्जाम है तो एरर में एक प्रॉब्लम आती है। मैक्सिमम क्या सबकी एक प्रॉब्लम है, बताए कौन सी। चैप्टर वाइज दे दो मैम, ये बता दो आर्टिकल का एरर है, लगा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। टेंस का एरर है तो लग जाता, कोई इशू नहीं आता। नाउन का है तो लग जाता, कोई इशू नहीं आता। इसका कारण पता है आपको कि क्यों आप जब चैप्टर वाइज लगाते हैं तो हो जाते हैं, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो या फिर मिक्स प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करते हैं, मॉक टेस्ट में करने की कोशिश करते हैं, तो समझ ही नहीं आता कि मतलब एरर होगा कहाँ, मतलब कैसे करूँ, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं आर्टिकल चेक करूँ, प्रपोजिशन चेक करूँ, मतलब बड़ी प्रॉब्लम है ना। लेकिन जब आप चैप्टर वाइज देखते हो तब क्या होता है, तब क्यों इतनी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। होती है प्रॉब्लम, सबके साथ होती होगी ये वाली, अगर नहीं होती तो बता दो मुझे कि मैम मेरे साथ नहीं होती। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा यार जिसके साथ ये समस्या नहीं। जी विशाल जी, ओके अनिकेत, अभी कृष्णकांत, संदीप, रुतिका, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जी, जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुशवा जी। ठीक है, सबका 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 स्वागत हो गया है, गुड इवनिंग हो गई है और नमस्ते हो चुका है, नमस्कार हो चुका है। तो फिर इसलिए जो मैं बात आपको समझाई थी उस पर गौर करो, सबको होती है वाला इशू। अब इशू होता हो तो मैं सोल्यूशन बताऊं, और अगर नहीं होता हो तो फिर ठीक है, तुम लोग इंटेलिजेंट हो, बताओ तुम मुझे। होती है, होती होगी यार, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं यार जिसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। एक तो वो नेगेटिव थॉट लाना बंद करो कि मेरे साथ ये दिक्कत होती है। इसका रीजन है, मान लो कि आपने चैप्टर पढ़ा नाउन, ठीक है, आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया क्या होता है नाउन। फिर जब आप नाउन का क्वेश्चन देखते हैं तो अभी तो उसके कॉन्सेप्ट पढ़ के आए थे, तो भैया फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा 10 उसके कॉन्सेप्ट हैं, 10 रूल्स हैं, आपने पढ़ लिए, क्वेश्चन देखा नाउन, नाउन में एरर, हाँ 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 हो गया है ना। जब आपने कहा कि प्रोनाउन चैप्टर का एरर आया तो सोचा प्रोनाउन, अच्छा यहाँ प्रोनाउन चैप्टर पढ़ा था, उसके 10-15 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, हाँ हाँ एरर मिल गया। पर जब सॉरी ग्रामर मिक्स हो जाती है तो हमें समस्या आती है ना, उस समस्या को कहते हैं प्रैक्टिस की कमी। पहला इसका सॉल्यूशन है मिक्स प्रैक्टिस किया करें, जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है चैप्टर वाइज फिर उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। मैम मिक्स प्रैक्टिस कहाँ से करें, इसका आंसर ये है कि आप प्रीवियस ईयर देखो, मान लो कि आप अभी एग्जाम देने वाले हैं, फॉर एग्जांपल आपका दिसंबर में एग्जाम है, जनवरी, फरवरी, अगले मई में एग्जाम है, अगले साल एग्जाम है यार, तो आप रेफरेंस कहाँ से लोगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि मान लो कि फॉर एग्जाम्पल नाउन में 50 कॉन्सेप्ट है तो 50 के 50 पे आते हैं, ठीक है, आ तो 50 पे भी जाते हैं पर कुछ गोल्डन से होते हैं, कुछ 5-4 ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार पिक होता है, पर हम कैसे समझे मैम कौन सा पिक करना है। तो यही तो कह रही हूं, इसीलिए तो प्रैक्टिस करते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर जब भी पेपर देने जाया करें, कम से कम पिछले 3-4 साल का प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाया करें, उससे आपको ये समझ में आता है कि अगर नाउन के 50 रूल हैं तो कौन से वो 5-7 रूल हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है। इससे आपके टाइम भी बचता है क्योंकि एकदम से माइंड क्लिक होता है कि हाँ अच्छा यहाँ पे एरर है, ठीक है। दूसरी चीज ऑब्वियसली मार्क्स लाने की संभावना बढ़ती है, ठीक है जी। आज हम इसी प्रैक्टिस को आपके सामने में लेके आऊंगी और मैं समझाऊंगी आपको कि घबराना बिल्कुल नहीं होता, एकदम आराम से क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, क्या चीज हम सेकंड नंबर पे देख सकते हैं, कौन सी चीज सबसे पहले नंबर पे देखनी होती है, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो चैप्टर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, सबसे पता है आपको ना वर्ब चैप्टर पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये मैं नहीं कहती, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन, सबसे पहले जो सेंटेंस आपने देखा और सेंटेंस को देखने के बाद सबसे पहले जो क्लिक आपके माइंड में होना चाहिए, डैट शुड बी अ वर्ब। और वर्ब में भी मैं कहूंगी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में रिश्तेदार हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, हम क्या लेते हैं कि वो एक लड़का है और वर्ब उसकी वाइफ है, तो उन दोनों के बीच अगर रिश्ता ऐसा नहीं होगा सामंजस्य का तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो सेंटेंस में दिक्कत हो जाती है, सेंटेंस मतलब उनकी लाइफ। तो हमने कहा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर सही रिलेशन नहीं है ना, आपस में मुंह से बातचीत वो अच्छे से नहीं करते, तो
तो भाई परेशानी तो आएगी, तो पूरा सेंटेंस मतलब कि उनकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट चीज़ तो ये, सेकंड चीज़ अगर मैं आपको फोकस करने को कहूँ तो आपको टेंस को जरूर चेक करना चाहिए, राइट टेंस को जरूर चेक करें जब भी आप कोई क्वेश्चन सेंटेंस देखते हैं। तो दो चीजों को एक साथ फोकस करें, पहला टेंस और दूसरा वर्ब, तो दो करें। अगर उसमें कोई एरर आपको नहीं मिलता है तो तीसरी चीज पर हम जाते हैं, हमारे एरर रिलेटेड टू हो सकते हैं प्रपोजिशन कंजंक्शन, मतलब ये एक लाइन में करके आना है काम और माइक्रोसेकंड में होना चाहिए। वर्ब एग्रीमेंट ओके टेंस ठीक है, ये काम एक बार में होना चाहिए। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जब वहां नहीं मिलता तो हो सकता है 2-5 सेकंड में हमारा एरर वर्ब से हमें मिल जाता, 10 सेकंड में टेंस में मिल जाता, तो हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अब हम समझते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो कंजंक्शन का लीडर है, मतलब उसमें कोई कंजंक्शन ऐसा है या फिर उसमें कोई प्रपोजिशन लीड कर रही है। तो सेंटेंस को देख के यार समझ में भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी चीजें। आज मैं ना प्रैक्टिस को शुरू करती हूँ और इस प्रैक्टिस में ना आपको मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया भाई, 2015 के क्वेश्चन है सारे, है ना, देख लेना ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। अगर आप डाल के भी देखोगे ना, सीधा कॉपी करना क्वेश्चन को, सीधा गूगल पे डालना, वो आपको ले जाएगा। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया कि मैम ये इजी है या कुछ भी। आपको देखो टफ पढ़ने से कुछ नहीं, अब कहीं पे मुश्किल मुश्किल पढ़ना चाहिए भाई, सबसे पहले वो पढ़ लो जो आ रहा है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर से अंदाजा लेके जाओ यार कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और एकदम सिंपल पूछे जाते हैं यार, एकदम सीधे, कुछ भी नहीं होता, होता तो बहुत जरा सा एरर है। अब हमारे साथ समस्या ये होती है कि जब मैम सारे चैप्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो हम ना समझ नहीं पाते, तो इसका एक लॉजिक है कि आप धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस करें। अभी आप मेरे साथ कोशिश करिएगा, हम ना 10-15 पे मैं करवाती हूँ प्रैक्टिस, ठीक है, फिर जो मैं बताऊँ ना उसी के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें चेक करते करते आप देखना क्लास के एंड तक आप खुद अपने आप को बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ शायद मैं इस तरीके से करूँ तो मुझे बहुत अच्छा मेरा परफॉर्मेंस हो सकता है, आपका एरर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, एक बार मुझे बता दीजिएगा। यस मैम, मेरे साथ 10-15 को क्लिक करके चलना है, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है, फिर देखते हैं, शुरू करें। मानसी ओके, थैंक यू तानिया, फोंकर, दिलीप जी, दिल भेजना बंद करें भाई, हिंदी मीडियम से हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ यार ये तो बात है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यार नॉर्थ इंडिया के, मतलब जो आप तैयारी करते हैं, मान लो आपका एसएससी, सीएचएस, सीपीओ, ये एग्जाम्स हैं, एनडीए, सीडीएस, ये वाला एग्जाम है या फिर टीचिंग एग्जाम्स हैं, तो यार ऑब्वियसली हिंदी मीडियम से हैं बहुत सारे लोग, मैं कहूँगी 60-70% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी का कोई एरर दे दो मैम चुटकियों में बता देंगे क्या पता करना है ना, पर इंग्लिश में नहीं कर पाते इसीलिए तो हम ग्रामर की सहायता ले रहे हैं। हाँ जी करें शुरू, ओके जी करते हैं। देखो देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके पास एरर आपके पास लिखा है क्वेश्चन उसको आराम से पढ़ना है। ही मैं एकदम धीरे से समझाती हूँ कि एकदम आराम आराम से, वैसे तो ये काम इतना टिपिकल नहीं, मैं इसको जो 10 सेकंड दूँ आपको समझ में आना चाहिए। ही के साथ जो वर्ब का कॉन्सेंट्रेशन है इज, इट्स ओके। फिर मैंने कहा आ यूनिवर्सिटी, देखो एरर होने को तो कहीं पे भी हो सकता था, हो सकता था बच्चों की तरह वो ही की जगह यहाँ एम या आर दे देता तो आप कहते हाँ थोड़ी गलती हो सकती थी, पर नहीं दिया उसने यार। यूनिवर्सिटी लिखा है तो य का साउंड है, हो सकता है एन दे देता यार, पर उसने एन भी नहीं दिया, तो ये एकदम, ये देखो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक है। मैं आपको बताती हूँ ठीक है, पहले उस चीज को एकदम क्लियर आउट कर दो जो ठीक है। अब बताओ किसी भी हालत में क्या ऑप्शन नंबर ए के अंदर एरर हो सकता है? नहीं, सारी चीजें तो चेक कर ली, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हमने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में बताया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी लिखा यूनिवर्सिटी भी, इज भी, एवरीथिंग इज ओके। अभी मैं आराम से बता रही हूँ लेकिन आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो अपने आप स्पीड बढ़ती जाएगी जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये तो ठीक है मैम, ए तो ए में तो बिल्कुल मत लगा देना यार। देखो बहुत सारे टीचर्स कहते हैं तुक्का बिल्कुल भी मार्क मार के नहीं आना है ना, पर मैं कहती हूँ तुक्का अगर मार के भी आना तो दिमाग का यूज जरूर करना, होने को नो एरर भी हो सकता है पर बहुत कम केस रहता है, तो तुक्का भी मारना है तो उसको दिमाग से करिए, कॉपी भी करनी है दिमाग से करिए, दिमाग के बिना कुछ भी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ए में तो नहीं मिला, आगे मैं समझती हूँ बट नाम के कंजक्शन से हम परिचित हुए कि चलो ठीक है, बट ऑफ हिज, हमने ना प्रोनाउन को भी जिक्र कर लिया
की प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? यार मैं थोड़ी सी नॉलेज जानना चाहती हूँ आपकी, कि आपको कितना नॉलेज है, प्लीज एक बार मुझे थोड़ा बताइएगा, ये हिज किसके लिए यूज हुआ है? ये हिज एक प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज हुआ होगा? आई थिंक ही के लिए यूज हुआ है मैम, राइट? क्या आपको इतना सब कुछ पता है? एक बार प्लीज मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि आप कितना जानते हैं इंग्लिश के बारे में। अगर आपको समझ में आ रहा है मैम ये हिज ही के लिए यूज हो रहा है तो इट्स रियली वेरी गुड, और अगर नहीं आ रहा तो ही के लिए हिज यूज होता है यार, ठीक है। बट ऑफ हिज थ्री सन्स, ये किसके तीन सन है, किसका अधिकार, किसकी बात कर रहे हैं? हमने कहा तीनों लड़के इसके हैं, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बट ऑफ हिज थ्री सन्स, हिज थ्री और सन्स, थ्री के बाद प्लूरल यूज किया है तो इसमें भी यार मुझे कोई गड़बड़ नजर आ नहीं रही तो मैम, ठीक है, तो बी सेंटेंस भी हमारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीदर, नीदर हमने कहा नीदर, उसके बाद हैज, इसमें भी देख लीजिए नीदर के साथ हैज लगती है क्या? मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका निधर है या फिर इधर है, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं जो चॉइस को दिखाते हैं। आपने सुना भी होगा निधर के साथ नोर का पेयर पढ़ाई करते हुए, इधर के साथ और का पेयर, अब बहुत सारे बच्चे तो ऐसा लिख भी रहे हैं मैम निधर आया नोर नहीं आया, ये प्रॉब्लम है भाई, रट्टा मत मार के जाओ यार, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि निधर आया तो अब नोर आएगा ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। निधर चॉइस दिखाता है, निधर का मतलब पता है क्या होता है? निधर और इधर दो में से कोई सा भी नहीं, निधर चॉइस तो दिखाता है पर ऑप्शन कितने देता है? दो। ऑप्शन कितने देता है? दो। देखो देखो लिख रहे हैं कुछ तो है ना, नोर वाला कॉन्सेप्ट ये रट्टा है, ये तुमने किताबें खोल के ना रट्टा मार लिया, निधर के साथ नोर का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, नो डाउट कि एरर मिल जाएगा आपको, ठीक है, नो द, बट यार एक कोई जरूरी नहीं है, निधर आपका यहाँ सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और चॉइस देता है, दो चीजों की चॉइस कर देता है, और हमेशा ये सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। अब मैंने कहा सिंगुलर वर्ब रट्टा मारने, मैम रट्टा मारने की क्या बात है यार, ये लो एक तो सेब और ये है ऑरेंज, ठीक है, ये सेब और ये ऑरेंज, मैंने कहा मुझे इनमें से एक लेना है तो आप या तो सेब लेंगे या ऑरेंज, है ना, एप्पल लिया या ऑरेंज लिया, ठीक है। जब आपने एक ही लिया है, आपकी चॉइस एक ही है, तो फिर वर्ब प्लूरल क्यों लगा रहे हो यार भाई, दो में से एक की चॉइस करनी है आपको। नीदर मैंने कहा कोई सा भी, ना ये ना ये, तो आप कैसे ना वो आप तो कोई सा ले नहीं रहे हो, प्लूरल कैसे लगा सकते हो, ठीक है, चॉइस दो में से की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा निधर इधर ये जो प्रोनाउन है हमारे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं, और इत्तफाक से इसने कर भी दिया, निधर के साथ हैज का ही यूज हो गया, वेरी गुड, ये संदीप श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे, पर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आंसर ऐसे रट्टा मार रखा, निधर के साथ नोर तो आया नहीं, निधर के साथ नोर आना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट सब चीजें तो मैम ठीक थी, निधर हैज एनी मेरिट, ये निधर यूज किसके लिए हुआ है? जो मैंने सवाल आपसे अभी पूछा था कि हिज किसके लिए यूज हुआ है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर दिया कि मैम ही के लिए यूज हुआ है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के लिए यूज हुआ है, राइट? आपको कुछ भी नहीं आता ना फिर भी समझ में आएगा, मान लो कि हो सकता है आपने पूरी ग्रामर नहीं पढ़ी हो मुझसे या किसी भी टीचर से, तो फिर भी आ जाएगा, है ना, मैं इतनी आराम से ध्यान से समझाऊंगी। देखो नीदर किसके लिए यूज हुआ है, किसी ने बताया? बच्चों के लिए उसके, राइट, बट थ्री सन्स, वेरी गुड, रोहिताश कुमावत ने सबसे पहले आंसर दिया है मुझे, बबलू जी ने भी कहा, मैं देखना चाह रही हूँ कितने लोगों को, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये मैम नीदर जो यूज हुआ है थ्री सन्स के लिए यूज हुआ है, ठीक है जी। अब यार हो गई ना गड़बड़, अभी तो मैम आपने कहा था कि सेब और संतरे में से चूज करना है, मतलब कि दो ही चीज होनी चाहिए, आप अब कह रही है तीन, ये तो तीन लड़के हैं, तीन लड़कों को यूज करने के लिए निधर कैसे यूज कर सकती हूँ यार, मैं निधर तो नहीं यूज कर सकती। अब मैंने कहा एरर तो मिल गया, लो जी एरर तो सी पार्ट में मिल गया, अब दूसरी चीज है कि इम्प्रूवमेंट तो करें, इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है, अगर दो से ज्यादा आपको सेंस देना है तो आप निधर का यूज ना करके नन का यूज करिए, ठीक है, नौ वन है ना, किसका यूज करें, नन का यूज करिए, ओके, सॉरी, ओके जी, फाइन,
बात समझ में आई? करना क्या होता है, धीरे धीरे छोटी छोटी बात समझनी है। ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं मैं 1000 प्रैक्टिस करवा दूं। मैं आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि आप एक सेंटेंस के अंदर यार ढूंढे कैसे, मतलब प्रोसेस क्या होती है। ऐसे पढ़ के नहीं आता यार, आपको सही ढूंढना होता है कि कौन सा सही है। इसमें तो पक्का नहीं है, ये फीलिंग आपको लानी जरूरी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, जल्दी से आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार, आपको पढ़ने का मौका दे रही हूँ। किसी को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है ना, मैं पढ़ा दूंगी। हाँ जी, व्हाट नेटवर्क इशू, कैसा नेटवर्क इशू है भाई, बिल्कुल ठीक है मुझे तो लगता है। हाँ विशाल जाट जी, आप तो एकदम सारे आंसर सही देते हो। आई एम सॉरी फॉर व्हाट, सॉरी दीपिका कुमारी। ओके क्लियर, चलो कोशिश करो। नो एरर है मैम, ओके और कोई क्लियर मैम, ओके थैंक यू जी थैंक यू। चलो तुम नहीं पढ़ रहे, मैं देख लेती हूँ। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, सच को जानने के बाद, ठीक है जी एक बार छोड़ देते हैं ये। दे, मैंने कहा चुक, तो ऐसा लग रहा है पास्ट की बात है, तो कोई ना कोई और भी वर्ब देख लेता हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है। पास्ट टेंस की बात है, पास्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करिए। दे के साथ टुक तो ठीक यूज किया। द राइट डिसीजन, हमने कहा डिसीजन को स्पेसिफाइड किया, द राइट डिसीजन। मैंने कहा कहाँ, इन द मैटर, मैटर में, तो कुछ गड़बड़ लग नहीं रही यार। दे वर्ब भी ठीक है, दे टुक व्हाट, व्हाट के बाद का आंसर द राइट डिसीजन भी आ गया है ना, इसलिए कोई बीच में प्रपोजिशन भी नहीं अड़ाई हमने, क्योंकि डायरेक्ट वर्ब है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर हमने कहा इन द मैटर, अब बताओ तुम्हें इन द मैटर में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है यार, बताओ इसमें तो कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। या तो आपका मन कर रहा होगा नो एरर लगाने का, या फिर अब लोगों ने सोचा होगा आफ्टर नोन लिख दूं, ये लिख दूं, ऐसा कुछ लिखने का मन कर रहा होगा, ऐसा ही मन कर रहा है। नो एरर है ना, नो एरर बहुत सारे लोगों को लगेगा, क्योंकि तुक्का मार रहे हो तुम है ना, अभी जानते नहीं हो। मैंने क्या कहा था, वर्ब टेंस प्रपोजिशन सब तो देख लिया है ना, अब हमें समझने की बात है। इसमें एरर मुझे बिल्कुल नहीं नजर आता, दे टुक द राइट डिसीजन इसमें भी नहीं नजर आता, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो यार है ना। आफ्टर नोइंग ट्रूथ, कुछ गड़बड़ है। तुम्हें पता है ये जो ट्रूथ वर्ड है ना, ट्रूथ ये डेफिनेट होता है, और डेफिनेट का मतलब जानते हो, डेफिनेट का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का मतलब होता है कि इसको ना अपने आप को स्पेशल फील करवाना है, और जब इसको अपने आप को स्पेशल फील करवाना है ना, तो ग्रामर में एक ही चीज है जो उसको ना अलग फील करवाएगी है ना, उसको कि मैं तो राजा हूं, मैं तो अलग हूं, तो वो द है, द। अब समस्या ये कि मैम ये मैं कैसे समझूं, द के आगे ट्रुथ आता क्यों है, ट्रुथ से पहले द क्यों, क्यों? अच्छा एक बात बोलो, मैं तुम्हें ना एक चीज कहती हूँ, आपने कह दिया मैम, और हम मान लें किताबों में भी लिखा है भाई ट्रुथ से पहले द का प्रयोग कर लेना, किताबों में भी लिख लिया, पर इसे स्पेसिफाइड या डेफिनेट कहते क्यों है, डेफिनेट क्यों है ये, मतलब एक ही क्यों है ये, क्योंकि ट्रुथ दस हो नहीं सकते यार, क्यों नहीं हो सकते। मान लो कि मैंने एक ये टॉप पहना है अभी, ठीक है, अरे सब पकड़ पाओगे, कैसे पकड़ पाएंगे, नेगेटिव थॉट तो अपने दिमाग में पहले ही चल रहे हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे पकड़ पाऊंगा, व्हाट द हेल इज दिस यार, नेगेटिविटी तो इंसान को कुएं में धकेल देगी तुम्हें। पहले तो ये बोला करो यस आई कैन डू इट, गलत हो रहा है होन दो ना, तुम मुझे बताओ डी में एरर लग रहा है मुझे है ना, पॉजिटिव रहा करो यार बच्चे, स्पिरिट नहीं होगी तो कैसे एग्जाम, इतने सारे लोग, इतने सारा कंपटीशन, तो कैसे पार करेंगे हम, अपनी नेगेटिविटी नहीं, नेगेटिविटी छोड़ दो। मैंने अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ट्रुथ के आगे द लगता क्यों है, मैं एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं बताऊंगी कि हवा में लगा दो, रट्टा कुछ नहीं होता यार। मैंने कहा ये टॉप है मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये मैंने 399 रुपये का खरीदा, हालांकि ऐसा है नहीं, पर फिर भी मैंने कहा ये सिर्फ मैंने 399 रुपये का खरीदा, ठीक है ये सच है, अब ना मैंने जानबूझ के, कोई जैसे मेरी कोई फ्रेंड थी या फिर कोई भी मिला, मैंने जानबूझ के कहा तुम बताए मैंने टॉप कितने खरीदा, बोले कितने का खरीदा, बोला कि मैंने 1800 रुपये खरीदा। फिर एक दूसरी थोड़ी अमीर फ्रेंड मिल गई, तो मैंने सोचा तुझे पता है मेरा टॉप कितने का है, 4200 का लाई हूँ, अच्छा ठीक है 4200 का, ठीक है। फिर बहुत ही
मतलब एक ऐसी फ्रेंड जिसको मुझे ये दिखाना था कि वो अपने आप को इन्फीरियर ना फील करे, तो मैंने उसको बोला कि अरे कुछ नहीं यार, 400 रुपये का टॉप है। तो 399 और 400 में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, यह है बेटा। मैंने उसको बोला कि 400 रुपये का टॉप है, तो तुम्हें क्या लगता है मैंने झूठ बोला या सच बोला? बेटे चाहे इतना सा हो, झूठ तो झूठ होता है, ठीक है? और सच एग्जैक्टली 399 ही रहेगा, ना ही 398 होगा, ना ही 400 भी झूठ है, 398 भी झूठ है। इसका मतलब मेरा टॉप 399 रुपये का था। कितने का था? 399 का। तो सच क्या है? डेफिनेट। सच क्या है? स्पेसिफाइड। और सच अकेला ही होता है भाई, एक ही होता है। इसीलिए हमेशा ट्रुथ को स्पेसिफाइड करने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। बताओ इतनी सी बात समझ में आई मेरी? अब नहीं, ऐसे नहीं गैस मारो। गैस क्यों मारेंगे यार, हर चीज का लॉजिक है, समझेंगे हम। नाइनटी वाला था, दा लगा दो तीन सौ, बक पागल। 99 है तो फिर सच 99 ही है, ठीक है? आज के बाद हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रुथ के आगे द लगा दें। क्यों लगा दें यार? क्योंकि ट्रुथ को हमेशा स्पेसिफाइड किया जाता है, ठीक है? क्या, चलो आगे समझते हैं। एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये भी, चलो आप फिर से चेक करो। जज इन हिम, जज इन हिम, उसमें जज प्रिवेल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? कोई बात नहीं यार, वर्ब की सेकंड फॉर्म तुम्हें कोई डराती थोड़ी ना। प्रिवेल के साथ अपॉन प्रपोजिशन यूज होती है, आपने पढ़ा हुआ है ना, तो एक एक चीज को ऐसे करते चलो। हाँ ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रिवेल अपॉन द फादर, फादर में तो कोई दिक्कत नहीं। एंड फिर क्या हुआ? ही कौन है? अच्छा, फादर के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। मैंने कहा सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो मैंने ये बोला था ना आपको, टेंस चेक कर लेना यार। टेंस तो यार ठीक है, टेंस तो ठीक निकल गया, प्रोनाउन भी ठीक निकल गया, हिज सन मतलब फादर का सन, ही किसके लिए? फादर के लिए, तो ये भी ठीक निकल गया। मतलब कि मैम ना तो मुझे वर्ब में एरर मिला, देखो ना, अगर यहाँ प्रिवेल्ड है और यहाँ पर सेंटेंस होती तो हम लगा देते कि मिल गई मिल गई, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म दूसरी फर्स्ट फॉर्म, गलती हो जाएगी। तो हमने कहा वर्ब भी ठीक लग रही है, टेंस भी पूरा भाई पास्ट इंडेफिनेट में लिखा है, पास्ट का टेंस है, तो ये भी ठीक लग रहा है। प्रपोजिशन का भी एरर लग नहीं रहा क्योंकि प्रिवेल ही एक फिक्स प्रपोजिशन है जिसके साथ अपॉन यूज किया जाता है, तो अब एरर है कहाँ? अब वो देखो जहाँ एरर हो नहीं, यहाँ पर एरर मुझे लगता नहीं। मैंने कहा ये वाला सेंटेंस भी यार इन्होंने एकदम ठीक लिख दिया, इसमें भी है नहीं, अब मैं करूं क्या? देखो आप एक चीज गौर करना भूल गए, फिर से आपको एक एरर बताती हूं, फिर से एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, उसके अंदर जज। भाई उसके अंदर जज हो सकता है क्या? मेरे अंदर जज हो सकता है? मेरे अंदर जज हो सकता है? तुम्हारे अंदर कोई जज हो सकता है क्या? जज गलत है मैम, जज ओन आएगा, जजिंग हिम आएगा, सबको लग रहा है ए पार्ट में एरर, वाह वाह वाह, यही तू कमाने को तो कह रही हो, तो मैं ए में एरर कर देते हैं मैम हम तो, है बात तो तुम्हारी ठीक है, ए में ही एरर है, तुम्हारे नंबर पूरे के पूरे आ गए, सब सेलेक्ट हो गए तुम, पर भाई सीख के जाओ कि क्यों ऐसा, क्योंकि तुमने देखा कि यहाँ तो सब ठीक ठीक लग रही है बात, ये जज में कुछ गड़बड़ मिलेगी, ये होता है तुक्का। अब दूसरी चीज इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, जज किसी के अंदर है ही नहीं, या तो वो प्रोफेशनल जज है जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, हमारी एक कॉमन नाउन है जज जो कि एक प्रोफेशन है, पर मैंने कहा उसके अंदर जज, उसके अंदर मतलब एक पर्सन है जो एक पिता है, उसके अंदर के जज ने तो उसको फांसी की सजा सुना दी, तो वो जज नहीं। क्या बोला जा रहा है? जज की भावना, जैसे मैंने कहा फादर इन हिम मतलब कि उसके अंदर पिता की भावना, ठीक है? जब एक कॉमन नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह बिहेव करती है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी होती है? फीलिंग। मैंने कहा मेरे अंदर का पिता बिल्कुल नहीं चाहता कि तू इतनी रात घर से बाहर जाए, फीलिंग है भाई पिता की। मैंने कहा मेरे मेरे अंदर का ममत्व बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे रोए, तो ये मेरी फीलिंग है। मेरे अंदर की माँ, माँ का मतलब ममत्व है ना, अगर पिता के अंदर पिता की भावना है तो उसका हमने कहा कि वो जो भावना है पिता की भावना है, तो ये जो भावना है ना जज इन हिम, इसका मतलब वो अपने आप को पर्टिकुलर प्लेस फीलिंग ले रहा है वो जज की, ठीक है? उस जज के स्वभाव ने, जज की ड्यूटी ने अपने बेटे को ही
दे दी सजा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ प्रयोग किया जाता है कि कॉमन नाउन को किसी के अंदर, फादर इन, हेम, मदर इन, तो ऐसे ऐसे जब हम प्रयोग करते हैं तो हमेशा एक पर्टिकुलर फीलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे द जज इन हेम, उसके अंदर का जज, उसके अंदर के जज ने, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे लेके गए, हम किसे लेके गए, कॉमन नाउन को, ठीक है। अब फादर मदर भी वैसे तो होती है, पर ये बोले कि मेरे अंदर के पिता ने उसको रोका, मेरे अंदर की माँ ने उसको रोका, तो भैया तेरे अंदर की जो माँ है वो तेरी स्पेसिफाइड फीलिंग है, और जब तेरी स्पेसिफाइड फीलिंग है तो द का प्रयोग करना है, ठीक है जी। अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। नाइन टेंथ्स ऑफ द पिलर हैव रॉट इट अवे, भैया ये है एक पिलर, देखो ध्यान से, पिलर तो समझते हैं, पिलर ये सड़ गया यार, खराब हो गया, खराब हो गया, तो खराब होता होता इतना खराब हो गया, ये लो आप एक बार सेंटेंस देखें, नाइन टेंथ्स, आप समझते हैं नाइन टेंथ्स का मतलब, नो बटे दसवां हिस्सा, नो बटे दसवां हिस्सा किसका, पिलर का, क्या हो गया, हैव रोटेड अवे। सबसे पहले क्या चेक करनी थी, वर्ब चेक करनी थी, है ना, तो वर्ब चेक करिए आप लोगों ने, भाई वर्ब तो चेक करो, चलो नाइन टेंथ्स ऑफ द पिलर मैम, ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब पे आया, मैंने बोला ना सबसे पहले वर्ब को जरूर देखो, हैव रोटेड, तो आपको देखना है ये हैव किसके लिए आई है, ये इसके लिए आई, ये सब्जेक्ट है भाई इसका, नाइन टेंथ्स ऑफ द पिलर है ना, पिलर नहीं एक्चुअली, ये तो ऑफ है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आई तो ये नाइन टेंथ्स के लिए है, तो नौ बटे दसवां। अब कुछ बच्चों को लगेगा मामी ऐसा लगा दिया ना, मैं तो इसको प्लूरल लगा दूंगा, एक बात बताओ यार, ये ना एक एक पेज है ना, एक पेज है, मैंने इसको फाड़ दिया, मतलब इसका वन बाई टू कर दिया, अब इस वन बाई टू करने के बाद मैं इसकी बात कर रही हूं, ये एक है या दो है, मैंने कहा ये पूरा, इसका एक ये हिस्सा वन बाई टू, तो वन बाई टू प्लूरल है क्या, मैंने कहा ये मेरे पास पूरा था, अब मैंने इसके हिस्से कर दिए चार, अब इन चारों में से ना मैं पता किसकी बात कर रही हूं, इसकी, तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूं कि ये कौन सा वन फोर्थ, तो ये वन फोर्थ ये तुम्हें प्लूरल लग रहा है क्या, तो वन फोर्थ भी जब हमने किसी पूरे एक का वन फोर्थ किया और मैं इसकी बात करने लगी तो ये सिंगुलर है ना भैया, एक पिलर था, पिलर्स तो थे नहीं, मैंने कहा एक पिलर और इस पिलर का इतना हिस्सा सड़ चुका, इतना हिस्सा, ये प्लूरल कैसे हो गया तुम्हारे लिए, सिंगुलर का टुकड़े टुकड़े कट कट करके कितना ही काट दो उसका, उस हिस्से को तो सिंगुलर बोलोगे यार, तो ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, आपकी रूल पढ़ने को मिला होगा, फ्रैक्शन के बाद जो भी नाउन आती है उसके अकॉर्डिंग भर देते हैं, तो हमेशा पिलर को देखिए, पिलर एक सिंगुलर है, और इसके अकॉर्डिंग हैव को ना भर के हैज का यूज कर लें, क्यों किया जाता है मैं आपको बताया, समझ में आएगा, क्या वो प्लूरल हो गया, ये चाहे मैं इसके हजार टुकड़े कर दूं यार, टुकड़े टुकड़े करके इतना छोटा टुकड़ा भी ले आऊं, ये भी सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि किसी सिंगुलर नाउन का कितना भी हिस्सा कर लो, सिंगुलर नाउन का कितना भी हिस्सा कर लो सिंगुलर ही रहेगा यार, हैव मत लगाइए, हैज का प्रयोग करिए। चलो आगे देखते हैं, अभी मान लो किसी का नेक्स्ट ईयर एग्जाम है, मान लो दिसंबर में एंड या जनवरी, तो 21 नवंबर से मेरा लाइव बैच आ रहा है, प्लीज लाइव सिर्फ वही लें जिनके पास टाइम हो दो तीन महीने का, उसके अलावा फिर क्या करें, वो रिकॉर्डेड लीजिए, अगर किसी को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है कि मेरे को तो एक महीने में ही करना है, तो वो रिकॉर्डेड पे जाएं, लाइव सेक्शन, लाइव बैच वही लोग लें जिनके पास टाइम हो यार, है ना, मैं दो दो घंटे भी पढ़ाऊंगी बेटा फिर भी मुझे तीन महीने लग जाएंगे, ओके, कम से कम तीन महीने लग जाएंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा रिकॉर्डेड बैचेस के अवेलेबल हैं सारे ऑप्शन, रिकॉर्डेड आप बैचेस ले सकते हैं, चाहे स्पोकन के हो, वोकैबुलरी का भी ले सकते हैं, ग्रामर का, या फिर कंप्लीट, दोनों को मिक्स करना हो, थोड़ा ध्यान से बैच को दिया करें। आज भी मैं सुबह वोकैबुलरी का नया बैच शुरू हुआ था, कुछ बच्चे अगर देख रहे हो क्लास के भी, भाई मैंने बोला पेपर कब है, नया बैच शुरू हुआ, तो कि
अभी है 20 दिन बाद, 1 तारीख से शुरू हो रहा है भाई। भले मानस, मेरे को तो दंडवत करने का मन कर गया उसको। भाई तू 15 तारीख को बैच ले रहा है, ये वाला बैच लिया उसने, ये अभी शुरू है ना परसों, 14 तारीख से ये वाला बैच लिया, और तेरा पेपर कब है? 1 तारीख को है भाई। पता नहीं होता कि हमारे एग्जाम कब है, फॉर्म भी भरा होता है, तो 15 दिन में कोई लाइव बैच से कैसे पढ़ सकता है? हाँ, रिकॉर्डेड बैच लेके आप जल्दी जल्दी कुछ कवर करना चाहें तो अलग बात है, तो लाइव बैच कृपया ध्यान से लिया करें। ओके जी, चलो आगे बढ़ती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। आर एफर्ट्स आर एम टू ब्रिंग अबाउट आ रिकॉन्सिलिएशन। तो हमने गौर करा मैम, सब्जेक्ट ढूंढा, आर एफर्ट्स। चलो जी बेटा, वर्ब बताओ, क्या ये ठीक वर्ब लगी है आपको? एफर्ट्स, हमने कहा हमारे एफर्ट्स, तो हमने कहा एफर्ट्स के अकॉर्डिंग आर ठीक लग रही है आपको? अरे बोलो भी, सब बोलो जल्दी से। हाँ, 2 महीने के बाद है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें रिकॉर्डेड हो जाएंगी, कुछ लाइव हो जाएंगी, काफी चीजें हो जाएंगी, बट 15 दिन में बैच नहीं होता यार, 2-3 महीने तो हो तभी तो। लाइव बैच रिकॉर्डेड से तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है मेरे। ओके बेटा, हाँ जी ठीक है, आगे बढ़ो। ओके नितेश, रोहित, जीतू, भावना, नो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, आप लोग कह रहे हैं मैम कोई दिक्कत नहीं, आ एफर्ट्स आर, ये तो मेरे को ठीक लग रहा है। चलो तुम्हें ठीक लग रहा है तो आगे पढ़ लूँ पहले। एम्ड आर एम्ड, ओके, माने का कुछ पासिव वॉइस का फॉर्मेशन आ रहा है, और एफर्ट्स खुद तो होते नहीं भाई, कोई करता होगा एफर्ट्स, तो ये भी बात मुझे ठीक ही लग रही है। टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट एक हमारी वर्ब है जिसका मतलब होता है लाना, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फिर मैंने कहा आ आ रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है कि मतलब सुधार, बेसिक। आवाज नहीं आ रही, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, माइक ऑफ था। हाँ अभी आ जाएगी। हाँ मैं कह रही थी कि हमने देखा आर्टिकल के पास नाउन, ये तो ठीक है। अभी लोटा क्लास को हम ढूंढ रहे थे, वॉइस आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई, वॉइस आ गई, मैंने माइक बंद कर दिया था तो अभी मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। कोई एरर मिल रहा है अभी? पता तुक्का मारने कौन कर रहा होगा पता किसी का, कि और रिकॉन्सिलेशन में तो हो ही नहीं सकता यार, आर्टिकल प्लस नाउन क्या दिक्कत है, एफर्ट्स के साथ इसमें भी नहीं हो सकता। अब डेफिनेटली सबका तुक्का मारने को मन करेगा बी, या फिर नो एरर। भाई एक्चुअली देखो, वैसे तो तुम्हें मैं एक एक अगर ये नो एरर नाम का ऑप्शन ना होता ना, तो तुम्हें मैं ऐसे तुक्के सिखाती यार, ऐसे तुक्के सिखाती कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं गलत होता, पर ये कभी कभी ना नो एरर समस्या दे देता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वैसे वो बहुत कम बार होता है, और बच्चे जरूर ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि नो एरर तो होगा नहीं, बी लगा देता हूँ, और इत्तेफाक से आपका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाता। समस्या ये है एक्चुअली प्रापोजिशन का एरर है एम्ड के साथ, है ना। अगर आपने मेरी फिक्स्ड प्रापोजिशन की क्लास देखी है तो अच्छी बात है, और अगर आपका एग्जाम है और अगर आपने नहीं देखी है तो बच्चा प्लीज उन वीडियोस को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। एम एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ एट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? एट एक पॉइंट ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ प्लेस को कहता है, राइट। मैंने कहा
जैसे एट का प्रयोग हो गया स्पेसिफाइड चीज में, ओन का मतलब जैसे सरफेस टच में होता है ना, एट का मतलब स्पेसिफाइड जगह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा सही है। एम, एम एक ऐसी वर्ब है, निशाना मतलब कि ऐसा करना, एम्ड उसका निर्णय जो कि उसका हम डिसीजन कह लें, तो एक पर्टिकुलर होगा, इसलिए एम के साथ एट फिक्स प्रपोजिशन को यूज किया जाता है। तो मैंने कहा टू को यहां से काट दूं, एट का प्रयोग कर लो, ठीक है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये अधूरा लिख रहे हैं आप। एम के साथ एट आती है मैम, मोक के साथ एट आती है, वेरी गुड यार, मोक के साथ भी एट आती है, लुक के साथ भी एट आती है, ये देखने के जितने भी है ना सबके साथ एट आती है ना, और स्माइल के साथ भी है, अभी भी गलत है, अधूरा अधूरा सेंटेंस लिख रहे हो यार, अधूरा सेंटेंस लिख रहे हो, नहीं मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया है आपकी फ्री क्लासेस से मैम, हो रहे यार ग्रेट यार, अगर मैं तुम्हारे फ्यूचर में कुछ सहयोग कर पा रही हूँ तो इससे अच्छी ना कोई बात ही नहीं है। बाकी बेटा मेरी वजह से किसी भी बच्चे का नहीं, आप की अपना एफर्ट है, मैंने तो लाखों बच्चों को पढ़ाया है ना, अगर ये देखे एक एक वीडियोस पे किसी किसी मिलियन मिलियन, दो दो मिलियन, तीन तीन, चार चार मिलियंस व्यू हैं, तो मतलब सारों को सिलेक्ट हो जाना चाहिए था, है ना। इसका मतलब बात मेरे सिर्फ पढ़ाने की नहीं है, बात आपकी शिद्दत से पढ़ने की भी है, और जिसकी अंदर शिद्दत होती है ना वो किसी से भी पढ़कर, है ना, और बिना किसी से भी यार खुद से पढ़कर भी एग्जाम निकाल लेते हैं, तो आपकी मेहनत है वो, है ना, मेरी नहीं। चलो हाँ जी, मैं कह रही थी अभी भी अधूरा है, अधूरा पता क्यों है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है उसे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकती है। अब ये तो मैम वर्ब है, वर्ब को नाउन बनाने का तरीका बताऊं, आईएनजी लगा दो, जैसे मैंने कहा स्विमिंग, स्विमिंग क्या है, मैंने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग तो यहां पर नाउन हो गई, राइट। तो जब आईएनजी आप लगा देते हो ना तो नाउन बन जाती है, ठीक है जी। मैंने कहा जब आप प्रपोजिशन लगाएं तो प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाएं, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर आपके पास वर्ब दी है तो उसको बनाइए, और बनाने के लिए उसके साथ आईएनजी लगाइए, ठीक है जी। ओके सबका ठीक, ब्रिंगिंग अबाउट, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। आगे देखें, हिज सन इज वॉकिंग वेरी हार्डली, उसका जो हिज सन, अब इसमें भी आप लगा सकते हो यार, हिज सन उसका बेटा, अब इसमें क्या एरर है, नहीं हो सकती ना, ए में कोई एरर लगा मत देना। अब मैंने कहा हिज सन के अकॉर्डिंग वर्ब देख लो, सन इकलौता है, एक ही है, तो इसका प्रयोग बिल्कुल ठीक किया है मैम। टेंस देख लो, कॉन्टिन्यूअस है, इज एम आर जब हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद मेन वर्ब में आई एन जी लगती है, ये भी एकदम ठीक है, ए भी एकदम ठीक है, ठीक है। आगे आते हैं, या तो नो एरर या फिर तुमने तुक्का मार ही दिया होगा कि मैम सी, सी क्यों, सी का मतलब है हम इसको वेरी हार्डली नहीं कहते, इसको कहते हैं वेरी हार्ड। अरे याद करो यार, तुम कहते हो वर्क हार्ड, वर्क हार्डली नहीं कहते, वर्क हार्ड का मतलब होता है पूरा प्रयास करना, है ना। तो उसके बेटे ने काम करने में पूरा प्रयास किया है और बहुत हार्ड वर्क किया है ना, हार्ड वर्क कहते हैं ना, हार्ड वर्क। हार्डली का मतलब पता क्या होता है, हार्डली एक अलग ही वर्ड है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, जैसे हमने कंजंक्शन में आपने पढ़ा हो हार्डली, स्केयर्सली, बेयरली, ये नेगेटिव वर्ड हैं, इनका मतलब होता मुश्किल से, मुश्किल से, है ना। तो मेरे पास मुश्किल से मैं दिन में 100 रुपए कमा पाती हूं, आई हार्डली अर्न 100 रुपीज, तो मतलब मैं मुश्किल से, नेगेटिव मीनिंग है, ठीक है। बेयरली भी एक नेगेटिव मीनिंग है, आपने सुना होगा कभी हार्डली, बेयरली, स्केयर्सली, जब ये नेगेटिव मीनिंग है तो इनके साथ नोट नहीं आता, ये ऐसा कुछ कभी कोई कॉन्सेप्ट देखा हो या कोई रूल देखा होगा, तो हमने कहा भाई वो वर्क हार्ड करता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, ठीक है। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब, और एडवर्ब ने क्वालिफाई, हार्ड भी एक एडवर्ब, तो दोनों एडवर्ब को एडवर्ब ने क्वालिफाई किया और काम हो गया, ठीक है जी। हार्डली तो नहीं लगा रहे कर, सुनो क्या ये सेंटेंस ठीक है, क्या ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है बेटा, कोई बताएगा।
है मैम, सबको लगता होगा ठीक है, पर आपको पता है ये हु क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अभी बता के आई हूं। रिलेटिव प्रोनाउन पता क्या करता है, इससे आने वाला जो प्रोनाउन है ना, ये हु कुछ है ही नहीं, इसका ना कोई जेंडर है, ना इसका कोई नंबर, ये कुछ नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, ये एक्चुअली आई ही है। मैंने कहा मैं ही हूं जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, मैंने कहा मैं ही हूं जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तो सीधी सी बात तो ये है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तो इसका मतलब हु कौन है, ये क्या था? मैं ही हूं जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, मैंने कहा मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं, तो हूं और हूं तो वो तो सिर्फ आप बोले कि उसको फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए यूज कर लिया, बाकी तो हु की कोई औकात थोड़ा ना है, औकात तो आए की है, और जब अगर औकात आए की है तो ये जो वर्ब फॉलो करेगा ये हु के अकॉर्डिंग थोड़ा ना करेगा यार, जब हु का कोई नंबर जेंडर ही नहीं है तो आप कैसे कर लोगे इसको प्रयोग, तो आई के अकॉर्डिंग करिए, और बेशक आपको देखने में बुरा लगे, इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड देखने में गलत लगे, पर बेटे सेंटेंस एकदम ठीक है, ठीक है, एम आएगा, देखने में बेशक बुरा लग सकता है भाई, हम क्या कर सकते हैं, देखो कई बार ना क्या होता है, कुछ अजीब लगने वाले सेंटेंस भी ठीक होते हैं, तो ये आपका केस था रिलेटिव प्रोनाउन का, तो ध्यान रखिएगा जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपके सामने आए तो उससे पहले आने वाला प्रोनाउन है ना, और जो उसके रिलेटिव प्रोनाउन के आने वाली वर्ब है वो उसके अकॉर्डिंग यूज होगी, हु के अकॉर्डिंग नहीं होगी, हु की कोई औकात नहीं है यार, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, द कंपनी हैज ऑर्डर, फिर से देखिए द कंपनी, मैंने कहा मैम सब्जेक्ट, कंपनी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हैज भी क्या हेल्पिंग वर्ब, मैंने कहा थर्ड फॉर्म V3, तो परफेक्ट का यूज कर लिया, टेंस और वर्ब तो मुझे पहले में तो ठीक नजर आ रही है, तो ए पार्ट में कोई एरर लगता नहीं। आगे समझते हैं, सम अकेला ही वर्ड है, वैसे तो एरर होना नहीं चाहिए, फिर भी देख लेते हैं कि सम क्या होता है, कुछ, तो कुछ है तो कहीं ना कहीं कोई और सेंस, कुछ आगे वर्ब वगैरह होनी चाहिए, डिटर्मिनर है, तो हमने देखा सम न्यू, न्यू क्या है, एडजेक्टिव, सम न्यू, न्यू क्या है, नया, मैंने कहा घर, मेरा नया घर, मेरी नई पैंट, मेरी नई शर्ट, मेरा नया बोर्ड, नया मार्कर, तो नया तो क्वालिफायर है, क्वालिफायर है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का होना जरूरी है, तो हमने देखा इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स क्या है, नाउन है। चलो जी, अब आपको लगेगा मैम सब कुछ तो ठीक है भाई, लेकिन जब जैसे ही आपने इक्विपमेंट्स को देखा ना, तो आपके मन में स्ट्राइक होना चाहिए कि हम कुछ पढ़ के आए थे नाउन चैप्टर के अंदर, कुछ जो हमारी नाउन है वो एस नहीं लगाया जाता उनके साथ, क्यों लगाया जाता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल होती है। अब ये अनकाउंटेबल कौन सी वाला, अनकाउंटेबल वो होती है जिन्हें गिनना शुरू नहीं कर सकते, इक्विपमेंट होते हैं उपकरण, ये एक पूरी कैटेगरी का नाम है। मैंने कहा आपके घर में, जैसे मेरे घर में बहुत सारे इक्विपमेंट है, मैंने कहा LED, ये मार्कर, सब डिजिटल, ये सारी चीजें क्या है, ये इक्विपमेंट है। मैंने कहा कैमरे कितने हैं, मैंने कहा दो कैमरे हैं, मैंने कहा पीसी कितने हैं, तीन पीसी है, इक्विपमेंट नहीं गिने जा सकते, क्या गिना जा सकता है, आपका अलग अलग कैटेगरी, ये तो पूरी पूरी कैटेगरी है, छोड़ो यार, और सिंपल एग्जांपल देती हूँ, फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल बताना मुझे, मैं आपको देखो कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलती हूँ, है ना, मेरा पर्पज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आओ ये एरर, ये एरर, मतलब है क्या यार, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ चाहे तुम 10 पढ़ो, चाहे तुम 10-5 पढ़ो, लेकिन यार आज जो मैंने बात बता दी ना, उसका एरर दोबारा में जिंदगी में ना गलत होना नहीं चाहिए। और तुम्हें पता कितने कॉन्सेप्ट है, मुश्किल से 200 कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अगर एक एक इतने अच्छे से करो ना, 15 दिन नहीं लगे तुम्हें, एक भी नंबर नहीं कट सकता, लेकिन ऐसे नहीं पढ़ो, बस मिल गया एरर, चलो आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। फर्नीचर का प्लूरल बनाया किसी ने, फर्नीचर्स लिख दो ना, कोई नहीं लिखेगा, प्लूरल नहीं बनाऊंगा मैम, लगेज का भी नहीं बनाऊंगा, मिल्क का भी नहीं बनाऊंगा, ओके पक्का, ऑर्डर का भी नहीं बनाऊंगा, ओके चौक का भी नहीं बनाऊंगा मैम, ओके ब्रेड का भी नहीं बनाऊंगा, डैमेज का भी नहीं बनाऊंगा, ब्रेकेज का भी नहीं बनाऊंगा, लीकेज का भी नहीं बनाऊंगा, ऑलरेडी प्लूरल है, किसने का प्लूरल है,
कुछ भी भाई, प्लूरल जरूरी थोड़ा ना प्लूरल है, प्लूरल बन नहीं सकता, उसको लिखते नहीं है प्लूरल, क्यों नहीं लिखते? मैंने पूछा आपके घर में कितने फर्नीचर है, एकदम ईमानदारी से आंसर देना, फर्नीचर कितने है तुम्हारे घर में जल्दी बताओ, गिनो। पता तुम क्या गिनोगे? तुम गिन रहे होगे अपने घर का बेड, अपने घर का सोफा, ना कि फर्नीचर गिन रहे हो। आप दुकान पे जाके कहते हो फर्नीचर दे दो भैया, फर्नीचर दे देगा वो, लो जी सर एक फर्नीचर, लो जी सर दो फर्नीचर, ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला यार। फर्नीचर में पूछेगा सर फर्नीचर में क्या, आप कहेंगे सोफा लेने आया हूँ, डाइनिंग टेबल लेने आया हूँ, बेड लेने आया हूँ, अलमीरा लेने आया हूँ। तो ये पूरी की पूरी कैटेगरी है, तो जब पूरी की पूरी कैटेगरी होती है तो उसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो खुद अपने आप में कैटेगरी, समूह का वर्णन है ना, ग्रुप का वर्णन है। अब जो पहले से ग्रुप है उसको बार बार क्यों ग्रुप बना रहे हो? ठीक है, ओके जी, मेरी बात यहां पर क्लियर होती है? अगर क्लियर होती है तो ये एस वर्ड मैम हटा दो और सी पार्ट में एरर कर दो। अब जैसे मैंने कहा मिल्क, जितना हमारा मटेरियल नाउन है, मैंने कहा दूध, चाय, वाटर, चीनी, ये पता कौन से हैं? आप जाके दुकान पे कहना भैया एक चीनी देना, दे देगा वो? आप जाके ट्राई करना कभी किसी से, एक पानी देना, एक पानी क्या देगा? एक पानी में पूछेगा कौन सी बोतल, पानी की बोतल लोगे तुम, पानी नहीं है ना। मैंने कहा आपने जाके किसी से भी आप दुकानदार के पास जाते हैं, कहते हैं दूध, पांच दूध दे दो। अच्छा, मतलब पांच दूध कैसे दे सकता है कोई, आठ दूध दे दो। नहीं कहते यार तुम, आठ लीटर कहते हो, आधा किलो कहते हो, ये किलो और ये लीटर लगाने का जो तुम्हें फोर्स किया जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तुम पांच दूध नहीं गिन रहे, तुम पांच लीटर गिन रहे हो, मतलब कि यूनिट गिन रहे हो। जब दूध और पांच के बीच में कोई आ गया तो इसका मतलब वो काउंटेबल बचा ही नहीं, और जब काउंटेबल नहीं है तो उसका प्लूरल नहीं बनाते। मिल्क्स नहीं लिखना, वाटर्स नहीं लिखना, चॉक्स मत लिखना, फर्नीचर्स मत लिखना, इक्विपमेंट्स नहीं लिखना, ब्रेड्स मत लिखना, अगर ब्रेड कहनी है तो लोफ, लोफ वर्ड को यूज़ किया जाता है, ब्रेड्स नहीं कहते, ठीक है जी, पैकेट को बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से मुझे आंसर देंगे सब लोग, यूनिट का यूज़ हो, एग्जैक्टली बेटा पैकेट कहते, कुछ भी कहें हम, बिल्कुल आएगा संतोष, करके देख लेना। चलो जल्दी देखें, चलो अगला क्वेश्चन। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, कोई जल्दी से कोई कॉन्सेप्ट बताएं, क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है? ए में लग रहा है, क्या क्या एरर लग रहा है? ए में कहने से क्या हो जाएगा? बी में लग रहा है, ए में लग रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार, जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत शानदार। बच्चों का कहना है कि मैम ये जो मैनी है, मैनी जो हमारा डिटर्मिनर है, इसका मतलब होता है बहुत, है ना, और बहुत है तो मैनी मतलब संख्या को दर्शाता है ना, क्वांटिटी को दर्शाता है, और जब ये क्वांटिटी को दर्शाता है तो ये काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। जब मैनी का मतलब बहुत होता है तो स्टूडेंट मतलब मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। मैनी स्टूडेंट कैसे? देखो बच्चा, आपने देखी नाउन, नाउन से पहले इसका, इससे पहले नाउन से पहले कौन आता है? उसका एडजेक्टिव, जिसे आप मॉडिफायर कह लो, आप डिटर्मिनर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो उसके बारे में बता दे। तो मैनी बहुत और स्टूडेंट अकेला, दिक्कत लग रही है मैम, तो हम क्या लगाएंगे? स्टूडेंट्स लगाएंगे, इसीलिए आगे हैव बिल्कुल ठीक है, आगे का जो वर्ब है हमारा एकदम ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crores प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू पॉइंट्स। ओके, वी आर गोइंग टू लॉन्च, मैंने कहा वी के अकॉर्डिंग आर, गोइंग टू लॉन्च का मतलब था करने जा रहे हैं, टू हमने देखा, चलो वी वन भी ठीक है। ओके, फिर आगे देखा विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज का शायद वर्णन होगा, कुछ भी नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स हो सकता है, वो स्लाइड्स वगैरह चला के बता रहे हो कि अगले में हम ये कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे ले बोला दिस क्या 3 crores प्रोजेक्ट,
तो आपने देखा वर्ब का तो मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रहा, टेंस का भी मुझे कोई एरर नजर नहीं आ रहा, तो अब मुझे ध्यान से देखने की जरूरत है। वी आर गोइंग टू लॉन्च, एक एक वर्ड को जब आप ब्रेक करके देख रहे हैं तो कोई दिक्कत लग नहीं रही। जब आपने देखा दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट, मैं इसकी कहानी बताती हूँ आपको। आई गेव हर 10 रुपी नोट, क्या सेंटेंस ठीक है? आई गेव हर 10 रुपी नोट, ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ लगा दूँ 10 रुपीज नोट तो ये गलत है, बताती हूँ क्यों। नोट जो है ना ये नाउन है, नाउन से पहले आने वाला जो वर्ड है बेशक वो तुम्हें नाउन लगता है, बेशक वो नाउन है, लेकिन अगर वो लास्ट वाली नाउन से पहले आया है तो वो मॉडिफायर ही है, वो एक तरीके का एडजेक्टिव ही है। क्योंकि भैया सोचो, मैंने कहा नोट दिया, बोले अच्छा कैसा नोट दिया, बोला 10 रुपए का, तो 10 रुपए नोट की क्वालिटी है। क्या क्वालिटी? 10 रुपए का नोट। इस क्वालिटी का मैंने कहा ब्लैक नोट दिया, ठीक है, मैंने कहा हरा नोट दिया, हरे नोट आते नहीं वैसे, पीला नोट दिया है ना, हल्दी लगा नोट दिया, ऐसा कुछ कह लें, अरे नोट बड़ा नोट दिया। तो हम जो नोट की क्वालिटी बता रहे हैं ना, इसी तरह जब ये नाउन बनी तो इसके आगे आने वाले जितने भी वर्ड हैं बेशक वो नाउन हो, पर यार इसके लिए वो मॉडिफायर रहेंगे। और जब एडजेक्टिव को प्लूरल बनाते हैं क्या, मैंने कहा गुड, आई एम अ गुड गर्ल, तो मैंने कहा गुड्स प्लूरल बना दूं, बैड बैड्स, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट्स, तो एडजेक्टिव मतलब कि विशेषण का प्लूरल नहीं बना सकते। तो जब ये बिहेव मॉडिफायर की तरह कर रहा है तो हम इसमें रुपी लिखते ना कि रुपीज, 10 रुपी नोट, ओके जी। अब हम वापिस आते हैं उसकी तरफ, हमने देखा प्रोजेक्ट एक नाउन है, इस नाउन से आने वाला पहला वर्ड इसका एडजेक्टिव या मॉडिफायर होगा। हमने कहा ये लो मैम होना तो 3 करोड़, 3 तो प्लूरल है ना, तो ये तो ठीक है मैम, करोड़ लिखना तो ठीक है भाई, 10 करोड़ होता अकेला तो ठीक है हम चला लेते काम, पर ये प्रोजेक्ट भी तो है तो इसका मतलब नाउन तो ये है। जैसे मैंने कहूं शी इज अ वेरी ब्यूटिफुल गर्ल, नाउन कौन सी है? गर्ल है, और नाउन को बताने के लिए ब्यूटिफुल, वेरी, अ, ये पूरी नाउन फ्रेज है। मैंने कहा गर्ल की विशेषता, तो जब गर्ल की विशेषता ब्यूटीफुल बता सकती है तो प्रोजेक्ट की करोड़ क्यों नहीं बता सकती? तो हम करोड़ का यूज नहीं करते, करोड़ का यूज करेंगे, ठीक है जी, एस नहीं लगाना है बेटा। मेरी बात क्लियर हुई यहां तक? करोड़ आएगा, ओके क्लियर। आगे देखते हैं, आफ्टर केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्मिट्स, इसका मतलब होता है दीमक है ना, थोड़ी वो कैब भी सुधार लें अपनी। चलो देखो आफ्टर, ठीक है आफ्टर से तो कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, आ आ हमारा आर्टिकल, ओके आर्टिकल, मैंने कहा केयरफुली हमारी एडवर्ब होती है, इन्वेस्टिगेशन आई ओ एन लगा है तो ये नाउन है, ये कैसा संगम है, नाउन की विशेषता एडवर्ब, वाह आपको एडवर्ब के बारे में कोई कहानी पता है? मैंने ही बताई होगी यार, यूट्यूब पे पढ़ा चुकी हूँ। एडवर्ब 3 चीजों को क्वालिफाई करता है जो इसके वर्ड के अंदर ही है, पता किस किस को, ए डी से एडजेक्टिव, वर्ब से वर्ब और खुद एडवर्ब को, 3 चीजों को क्वालिफाई, किस किस को, एडजेक्टिव को, दूसरा वर्ब को और तीसरा एडवर्ब को। तो बच्चे किसी एडवर्ब, हमने कहा एडवर्ब के बाद ये हमने एडवर्ब लगा दिए नाउन, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव लगते हैं, जो आपको फीलिंग आ रही होगी ना ये कहने की कि आफ्टर अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, फीलिंग आ रही है ऐसी, केयरफुल, एग्जैक्टली केयरफुली नहीं, केयरफुली तो एक एडवर्ब है, तो नाउन है हमारी इन्वेस्टिगेशन, नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है, तो केयरफुली एडवर्ब और केयरफुल एडजेक्टिव। जब हमें एरर मिल गया है तो आगे जाने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी वी डिस्कवर्ड दैट वॉट द हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद टर्मिट्स, तो हमने देखा टेंस भी एकदम ठीक है। इसके बाद घर खुद से तो भरा नहीं है, है ना, घर के कोई हाथ पैर होते हैं क्या?
तो आपने कहा कि पैसिव वॉइस, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो चीजें सारी ठीक ही लग रही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। माय एल्डर ब्रदर इज 6 फीट हाई। अब हमने कहा, जल्दी से देखने, बहुत छोटे छोटे एरर भी आते हैं एग्जाम में, बस आप प्रीवियस ईयर है सारे, मैं मतलब एक भी ना हो तो बता देना। एक काम करना, क्लास के बाद ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मेरा सुमन इंग्लिश, आप यहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सेंटेंस कॉपी करके देखना गूगल पे, माई एल्डर ब्रदर इज 6 फिट हाई, एरर नीचे लिख के आएगा, एसएससी 2015 या किसी ना किसी एग्जाम का होगा, है ना। तो सारे प्रीवियस ईयर, मैंने कुछ नहीं बनाया। ओके, माय एल्डर ब्रदर, हमने गौर करना शुरू करा, माय मेरा, एल्डर बड़ा भाई, ठीक है। इसमें क्या एरर होगा मैम, ये तो ठीक है। इसको देखो यार, ये इज ठीक है क्या, ये तो एकदम ठीक लग रही है मुझे, सिंगुलर सिंगुलर, वाह। तो बी में भी कोई एरर नहीं, ठीक है। या तो अब सी लगा दो या डी लगा दो, है ना। अब कुछ लोगों ने तो तुक्का मार लिया, तुक्का मार के ज्योति बिल्कुल आपके एग्जाम में भी आता है। अब लगा दिया है सी 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 सी, ये तुक्का है कि डी तो होगा नहीं, सी लगा देते हैं। बच्चे आपको पता क्यों होगा, आप हाई और टोल के बारे में जानते हैं। जब आप किसी के आदमी की हाइट की बात करते हैं तो आप उसको कभी ऊंचा कहते हैं, हाई कहते हैं, टोल कहते हैं, या लंबा कहते हो। किसी की हाइट की बात करनी है तो टोल वर्ड को यूज किया जाता है। हाई तो यार आपने कहा दीवार, क्यों हाई हो सकती है आपको, मतलब किसी चीज को आप ऊंचा कहने के लिए, पठार ऊंचा हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, पर यार किसी बंदे को तो ना तुम ऊंचा कहते हो, उसकी जो हाइट को दर्शाने के लिए, भाई उसकी 6 फिट है तो वो लंबाई है उसकी, है ना। हाई नहीं, ऊंचा नहीं कहते, लंबा कहते हैं। तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिएगा, टोल वर्ड को इंडिकेट करना होता है जब किसी की लंबाई। अच्छा मान लो तुमने कभी ऐसे ही कहा हो किसी को, ये नहीं, वो उसकी जो लड़की है छोटी है, बहुत लंबी है, कभी ऊंची सुना है, कभी कहते ऊंची लड़का, उनका पड़ोस के राकेश है ना, उनका लड़का देखा, हो रही बड़ा ऊंचा है, कोई सुनता है, ऊंचा नहीं कहते, क्या कहते हैं, लंबा है ना। और जब लंबा कहते हो तो हाय नहीं कहते, चोल कहते हैं, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली आर कॉमन सेंस। ओके आगे बढ़ते हैं। एज वी सी इट, शी अपियर्स टू बी अनरीजनेबल एंड एंग्जियस अबाउट प्लीजिंग अ हस्बैंड। एज वी सी, जैसा कि हम देख सकते हैं, तो सी सिंगुलर है, वी के अकॉर्डिंग सी ठीक लग रही है क्या, हाँ ठीक तो लग रही है मैम। शी के अकॉर्डिंग अपियर्स ठीक लग रही है क्या, ये लो सिंगुलर के साथ, ये भी ठीक लग रही है। ओके मैंने कहा टू बी, कारण बताया है, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल क्या होता है, अनरीजनेबल एबल है यार, तो एडजेक्टिव, ये लो ये एडजेक्टिव मिल गया मुझे, चलो ठीक है। मैंने कहा अनएक्सियस अबाउट, और ये हमने कहा ये हमारी वर्ब, तो व्हाट प्लीजिंग, व्हाट किसका, हर हर प्रोनाउन भी एकदम ठीक यूज किया है मुझे लग रहा है, किसको, शी के लिए यूज हुआ है, हर हस्बैंड, शी का ही हर हस्बैंड, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हमें समझ में आ रही है कि वर्ब तो सारी ठीक लग रही है ना, वर्ब सारी ठीक लग रही है, शी के साथ अपीयर्स, प्रोनाउन भी मैम ठीक लग रहा है, वर्ब भी ठीक लग रही है, नाउन भी देख लो, हस्बैंड हर, ये भी ठीक लग रही है, और कहीं नाउन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमने कहा शी अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमने कहा अनेक्सियस, है ना। एनेक्सियस क्या है, वर्ब। बेटा अब भी तो बताया, वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर ही नहीं सकता है यार, वर्ब को क्वालिफाई एडजेक्टिव कर सकता है भाई, ये तो वर्ब और ये एडजेक्टिव, क्या बताया था अभी, वर्ब को अगर क्वालिफाई करवाना है, अगर एडजेक्टिव अगर करता, एडजेक्टिव अगर पहले लगता तो नाउन के लगता ना, तो अगर यहां पर वर्ब है तो अगर वर्ब को करवाना है तो तुम एडवर्ब लगा सकते हो यार, बस। तो एडवर्ब बनाइए, अनरीजनेबली एडवर्ब बनाने का काम करें, ठीक है जी। अनेक्सियस एट मुद्दा होता है ना, अनेक्सियस अबाउट पर्सन होता है, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल।
अब हमने कहा द टेबल, इसमें भी कोई एरर हो सकता है क्या यार, कम से कम इसमें तो मत लगाना। लाइंग का मतलब होता है रखी, और इज के अकॉर्डिंग आई एन जी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब। और ऑन द टेबल तो ठीक है मैम, ऑन द टेबल तो हम बोलते हैं, प्रपोजिशन भी ठीक ही लग रही है यहाँ पर, तो बड़ी समस्या। तो भाई तुम्हें पता है ये जो सीजर वर्ब है, आपको पता है इन्हें पेयर पेयर नाउन कहते हैं, सॉरी पेयर नाउन कहते हैं। मैंने कहा चिमटा, टोंग्स, मैंने कहा पजामास, आप तो खैर पजामा बोल लेते होंगे, मैंने बोला पैंट, पैंट नहीं होता यार, पैंट्स होता, लैगिंग्स, लैगिंग नहीं, लैगिंग्स क्यों होता है ऐसा, टोंग्स, सीजर्स, सीजर को ना अकेले नहीं लिखा जाता, हमेशा सीजर्स लिखा जाता है, डू यू नो, पता है किसी को क्यों, ये पेयर है, पेयर नाउन बोला जाता है इनको, हमेशा पेयरिंग में आती है, जो आपकी पैंट है ना, ये जो आपके दो पैर इन दोनों में फंसती है, तो हमेशा उसे प्लूरल सेंस कहा जाता है, हमेशा उसे लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बन प्लूरल जाती है। मैंने कहा कि जब भी आपको सीजर यूज करना है, आपने कहा ग्लव्स, तो ग्लव्स हमेशा कैसे आते हैं, आप कभी मार्केट से एक ग्लव ले आए एक हाथ का, नहीं यार, जब भी आप लाते हैं पेयर में लाते हैं, तो ग्लव्स लाते हैं, है ना, ग्लव नहीं ग्लव्स होता है। जो आपकी कैंची होती है सीजर, उसके दो पार्ट होते हैं, है ना, और जब इसके दो पार्ट होते हैं तो इसमें हम इसको सिंगुलर नहीं प्लूरल सेंस में, तो आपको एस लगाना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे, अच्छा चश्मे, बहुत बढ़िया, चश्मे, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल नहीं बोलते, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं स्पेक्टिकल्स, क्योंकि चश्मे, चश्मे मतलब दो आंखों के, भैया दो आंखों के लोगे, ग्लव्स लोगे तो दो हाथों के लोगे, मैंने कहा पजामा लोगे तो एक पैर में तो पजामा पहनोगे नहीं, दूसरे में छोड़ दोगे, ऐसा भी नहीं होगा, तो ये सारी की सारी पेयर नाउन कहलाती है, तो इसलिए यहां पर सीजर लिखना गलत है। किसी ने करेक्ट कर दिया, सीजर्स क्या लिखेंगे, एस लगाएंगे भैया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द एनसीसी कमांडेंट अलोंग विद हिज कैडेट्स आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक डे परेड। गौर करिए, फिर से चलते हैं, चलिए जी, द एनसीसी कमांडेंट, चलो मैम बिल्कुल ठीक, सब्जेक्ट मिल गया है, फिर आगे देखा हमने अलोंग विद, अलोंग विद होती है हमारी प्रपोजिशन, चलो जी प्रपोजिशन आ गई, फिर प्रपोजिशन के बाद तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, लगाया है नहीं, हिज कैडेट्स, चलो ठीक है, अलोंग विद हिज कैडेट्स, आगे इसकी वर्ब मिल गई आर गोइंग, तो हमने देखा ये आर, सबसे पहले मैंने कहा ना, जब भी आप सेंटेंस को धीरे धीरे पढ़ें तो सबसे पहले वर्ब को जरूर देख लीजिएगा, बेटा मैं ये नहीं कहती वर्ब का ही एरर मिलेगा भाई, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके आने की, ये जो आर लगा है ये किसके लिए लगा है, कोई बताएगा मुझे किसके लिए लगा है, एनसीसी कमांडेंट के साथ, आपको पता है जैसे मैंने कहा अलोंग विद, मैंने कहा एज वेल एज, मैंने कहा टुगेदर विद, तो भैया ये ना एक, या तो आप ये कह लीजिए कि प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो हमारा एनसीसी कमांडेंट ही है, तो एनसीसी कमांडेंट के साथ चाहे सारी दुनिया गई हो, हम तो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना एनसीसी कमांडेंट की, मान ले शादी हुई, चल शादी में हजारों लोग गए, हमें मतलब नहीं यार, ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अलोंग विद हिज कैडेट्स, हम बात कैडेट्स की नहीं करना चाहते, हम कमांडेंट की करना चाहते हैं, अब उसके साथ बैंड बाजा बारात जो जा रही है, हमें उससे क्या मतलब, तो ये जो तीन वर्ब हमने लिखी, तीन चार वर्ब, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, या फिर ऊपर आपके अलोंग विद लिखिए, इन सब के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, आगे चाहे भैया कुछ लिखाओ उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है बात मेरी, तो हमें क्या लगाना है, इज गोइंग लगाना है, क्या लगाओगे, एनसीसी कमांडेंट इज गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन बताइएगा, आप बताइए, ये वाला क्वेश्चन तो सब लोग करेंगे भाई, सब, एवरीवन, हर कोई इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा, मैम आप डिस्क्राइब करते चलिए, हमें मजा आता पढ़ने में, हैप्पी बर्थडे तानिया भाई, ये जो अगर तुम्हारा
पर्सनल मैटर चल रहा है मिरेकल जी, तो तुम अपने व्हाट्सएप नहीं है तुम्हारे पास, उसमें करो ना तुम तान्या हैप्पी बर्थडे। कौन तान्या, पता नहीं है भी कोई तान्या नहीं, बेमतलब है। इस लगा ए, तुम ऐसे तो नहीं लगा रहे हो, इस समझ के लगा रहे हो क्या? देखो, एयर पोल्यूशन टुगेदर विद लिटरिंग, ये लिटरिंग का मतलब होता है कचरा, तो हमें मतलब नहीं यार उसके साथ। चाहे टुगेदर विद एज वेल एज अलोंग विद, उसके साथ मैंने कहा ना, बैंड जाए, बारात जाए, कोई जाए यार, ढोलक जाए, बांसुरी जाए, वी डोंट केयर अबाउट इट। हमें मतलब एयर पोल्यूशन से, एयर पोल्यूशन इज सिंगुलर हियर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब को एग्रीमेंट बैठाना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा आर नहीं, इसका यूज करिए क्योंकि सब्जेक्ट ये है, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यार। गलती हो जाती है हमसे ना कई बार, हम परेशान हो जाते हैं इस चीज को सोचकर कि ये यार इसके साथ ये वाले के लिए तो नहीं आ रहा। भाई ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि वर्ब से जस्ट पहले ही उसका सब्जेक्ट हो, होगा पर उस सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है ना, कुछ चीजें होगा सब्जेक्ट, नो डाउट अबाउट दैट। पर उसके बाद हमने कहा एग्जैक्ट मिला हुआ हो उससे कोई जरूरी थोड़ा है यार। ओके, क्लियर मेरी बात यहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बताओ, द अक्यूज्ड रिफ्यूज्ड टू आंसर टू द पुलिसमैन। अब आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। मैंने देखो आपको जितने भी क्वेश्चन सिखाए हैं ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, है ना, एक आध ऐसा नहीं कि एक दो चीजें, बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं और आप क्वेश्चन के साथ ही सीख पा रहे हैं उसको। देखो मैंने कहा द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड कौन होता है? आरोपी, ठीक है। मैंने कहा रिफ्यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ओके चेक कर लेना पूरे सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं। मैंने कहा व्हाट टू आंसर, आंसर आ गया, ठीक है। वर्ब टू प्लस वी वन इन्फिनिटी का यूज कर लिया, ठीक है जी। अब मैंने कहा किसको आंसर दिया? टू द पुलिसमैन। गलत सेंटेंस, तो यहीं पे समझ में आता है कि टू का प्रयोग नहीं करते। यहाँ तो ठीक है मैम, ऑन ड्यूटी भी ठीक है, अक्यूज भी ठीक है, हम लगा देते या उन्होंने लगाते हैं, क्यों है ऐसा? सुनो, एक सेंटेंस देखो, के सेंटेंस ठीक है। द मैन अटैक्ड ऑन हिम, तो लॉयन ने, सॉरी लॉयन, शेर ने उस पर अटैक कर दिया। तो हमने जब इस वर्ब पे गए तो बेटा इनको ना ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बोलने का तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट होता है। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। और मैम ये कौन सी कहानी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उनके बीच में कुछ नहीं आता यार। अब हम कैसे समझे मैम कि है नहीं? तो भैया दो सवाल पूछो, या तो व्हाट या फिर हु, यही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और है ही नहीं। ऑब्जेक्ट है इसलिए मैंने होम लिखा, अदरवाइज हु भी। तो मैंने कहा अटैक्ट होम, बोला उस पर ये ले। कुछ फिक्स प्रपोजिशन आपको पढ़ाई थी मैंने, है ना, याद करिए। आई डिस्क्राइब्ड अबाउट प्रपोजिशन, ये सेंटेंस ठीक है, चेक करो। डिस्क्राइब भी हमारी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि इसके बाद डायरेक्ट व्हाट हु होम के आंसर मिल जाएंगे। आई डिस्क्राइब, मैंने पूछा व्हाट, तो आंसर आया प्रपोजिशन। तो भाई ये क्यों लगा रहे हो बीच में? इन्हें कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। इसी तरह इस सेंटेंस के अंदर हमें आंसर मिला और आंसर हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और हमने कहा टू का प्रयोग मत करिए। आंसर किसे किया? पुलिसमैन को। अगर आपको मेरी इस बात पे कोई भी शक हो तो किसी भी सेंटेंस में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपने इस कॉन्सेप्ट से ना पढ़ा हो, बट ये कॉन्सेप्ट काम करता है। तुझे हम यहां से धक्के मार के बाहर निकाल देंगे, काजल हैप्पी बर्थडे, रितु हैप्पी बर्थडे। तो कहाँ है तुम्हारा माइंड, कहाँ है? टेलीग्राम का नाम क्या है? टेलीग्राम का नाम है जो मेरा नाम है। और मेरा नाम क्या है? और मेरा नाम क्या है? सुमन सूर्यवंशी। बट टेलीग्राम चैनल का नेम सुमन सूर्यवंशी नहीं है, टेलीग्राम चैनल का नेम है
सुमन इंग्लिश, ठीक है जी। यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी और एज इट इज मिल जाएगी, है ना, आंसर के साथ मिल जाएगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश के बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन, मतलब सब कुछ हो, तो 21 नवंबर से मेरा नया बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा रिकॉर्डेड बैचेस, अगर जल्दी है पेपर। अगले देखिएगा, माई फादर डजेंट लाइक मी गोइंग टू द सिनेमा। ये भी बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, और इतनी बार पेपर में आने की इसकी फ्रिक्वेंसी है। एकदम शांत बैठ जाओ, है ना, ध्यान से। किसी को आता है तो 2 सेकंड में बताइए, माय फादर, चेक कर लीजिए, माय फादर मैम सब्जेक्ट, ओके जी, वेरी गुड। इसके बाद मैम डज, डज या डू, सिंगुलर, बोला सिंगुलर, ये लो जी, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा लाइक, लाइक वर्ब, ये भी ठीक है मैम। फिर इसके बाद बी सेंटेंस, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेट नाइट में तो कोई दिक्कत होती नहीं, इसका मतलब ए और सी में तो कोई दिक्कत है नहीं, तो बी पार्ट में एरर है, ये तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। बी पार्ट में एरर तो जरूर है, क्या किसी को पता है क्या एरर है? राखी, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी मत लिखिए, मुझे ये बताइए कि एरर है क्या, बी लिखने से तो काम नहीं होगा ना यार। बी नहीं लिखो यार, आंसर बताओ। और अगर देखो तुम्हें पता, या तो तुम्हें आंसर नहीं पता होगा, इंप्रूवमेंट नहीं पता होगा, और अगर आंसर पता होगा ना, तुम्हें लॉजिक नहीं पता होगा भाई, पक्की बात है, रट्टा मार लिया मैम, ऐसा हमें अच्छा सा लग रहा है ना। चलो मैं तुमसे कुछ पूछूं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, कभी भी लाइफ में ना गलत होगा नहीं। चलो मैंने कहा मेरे पिता को डजंट लाइक, पसंद नहीं है, मैंने कहा मी, मैं गोइंग टू द सिनेमा। मुझे एक बात बताओ बस सोच के, कि मेरे पिता को मैं पसंद नहीं हूं या मेरे पिता को मेरा जाना पसंद नहीं है? सच्ची बताओ, मान लो तुम्हारे पापा तुम लेट नाइट आए और तुम गुस्सा कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तेरा लेट, इसका मतलब क्या उन्हें तुम्हारे से नफरत है या तुम्हारे लेट आने से नफरत है? भैया उसके पिता को कोई भी माँ बाप बच्चे से नफरत नहीं करता, उस बच्चे की किसी हरकत से नफरत जरूर कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि माय फादर डजंट लाइक ऑब्जेक्टिव केस मी नहीं, क्योंकि यहां पर कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं रहा। माय फादर डजंट लाइक मी, मेरे पिता मुझे पसंद नहीं करते, इसका मतलब मैं कहना चाहती हूँ इसे ऑब्जेक्ट बनाए रखो, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है, मी एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, मेरे पिता को मैं पसंद नहीं हूँ, जिसमें कि आपने सेंस बिगाड़ दी। उसने ये नहीं कहा मेरे पिता को मैं पसंद नहीं हूँ, उसने कहा मेरे पिता को मेरा गोइंग पसंद नहीं है, और गोइंग पर अधिकार किसका है? मेरा। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये है ना कि ये, तो इसका अधिकार हमने कहा जब भी आपका जो जरेंट है, जो चीज पिता को पसंद नहीं है या कोई भी हो सकता है, तो उससे पहले पजेसिव केस का यूज करिए और लिखिए माय गोइंग, मेरा जाना, ठीक है जी। आज की बात तो गलत नहीं होगा, जाना पसंद नहीं है भाई, मेरा जाना पसंद नहीं है, मैं पसंद, ऑब्जेक्टिव केस मत लिख दीजिएगा, जब ऑब्जेक्ट ये हो तो, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो आप इसका पजेशन बना सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मत लिखिए दो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई डोंट थिंक दैट आई कैन कॉप अप विद द प्रॉब्लम। ये बहुत ही सिंपल एरर है, बहुत बार पेपर में आता है, हो सकता है फिर से आ जाए, तो कॉप अप विद नहीं होता, दिस वन इज फ्रेज कॉप विद, क्या होती है कॉप विद। अब बेटा ऐसा मत कहना मैम नहीं हम तो कॉप अप विद रखेंगे, अब तुम कॉप ऑन इन और एट विद लिख रख लो, ऐसे क्या गलत रखोगे तो गलत ही होएगा ना। अब ये भी मत कहना कि क्यों मैम कॉप अप क्यों नहीं होती, कॉप विद क्यों होती है भाई, एक को एक क्यों कहते हैं, दो को दो क्यों कहते हैं, दो का नाम एक क्यों नहीं रख दिया, तीन क्यों नहीं कह देते, एंग्री का मतलब गुस्सा, लव का मतलब प्यार क्यों होता है, लव का मतलब गुस्सा क्यों नहीं कर देते हम, ऐसा नहीं होता यार, भाषा है, कम्युनिकेशन है, जैसे ही हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है और मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ, आप आगे भाषा को डिलीवर करेंगे, है ना। तो ऐसा सवाल मुझसे बिल्कुल मत कर देना मैम हम तो कॉप के साथ ऐसे लिखेंगे, कोप, कोप इन ऑन एट फॉर और फिर रखेंगे विद, ये ठीक नहीं है क्या भाई, ठीक नहीं है मतलब ठीक नहीं है, कोप विद का मतलब होता है सामंजस्य बैठा लेना, तो ये गलत फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ, रीड द इंस्ट्रक्शन विद केयर लेस्ट यू मे मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। बताइए, ट्राई करो सभी।
हर कोई ट्राई करेगा और मुझे बताएगा। विनोद तेरे मामा का लड़का है? विनोद कहाँ है? विष्णु मैं क्या करूं, वो बचपन से ही ऐसा। चलो जल्दी रीड द इंस्ट्रक्शन विद केयर लेस्ट यू मे मिसअंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। ट्राई करो। शुड होगा मैम। ओके जी, लिस्ट के साथ शुड होता है, पेयर है मैम। क्यों है भाई ऐसा? कारण पता है, बस रट्टा मार के बैठे हो। लिस्ट का मतलब बताऊं क्या होता है? मे नोट मतलब कि संभावना, कैसी? नेगेटिव, कहीं ऐसा ना हो। ऑलरेडी संभावना है नेगेटिव। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लो, वरना तो क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन गलत हो जाए, और ऐसा ना हो एक संभावना है, और संभावना में और मे नोट, मे नोट लिस्ट के अंदर ही है। लिस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका रिलेशन है मे नोट, ऐसा ना हो जाए। और जब हमने कहा लिस्ट का मतलब ही जब मे है, तो यहाँ पर भी मे नोट और यहां पर भी मैं अगर रिप्लेस कर दूं लिस्ट को मेन नोट से। बेटा लिस्ट का मतलब समझिए, लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और कहीं ऐसा ना हो एक संभावना है। संभावना का मॉडल मे है। मे को यहाँ यूज करो, मे को यहाँ गलत है। अब नेगेटिव यूज कर लिया है, आपको ऐसा करना चाहिए। इसीलिए लिस्ट के साथ मॉडल को चेंज करके मे को शुड को यूज किया जाता है। लिस्ट के साथ पेयर है शुड का। हु डू यू थिंक आई मेट? जब भी ऐसी कोई सेंटेंस दिखे छोटी सी, तो अगर प्रॉब्लम हो मैम हु आएगा या हुम आएगा, ऐसा ही कुछ लग रहा होगा। भाई नंबर ऑफ हस्बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइफ, है ना? ऊपर नीचे संख्या करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चेक करते हैं हम। चलो चेक करके आते हैं। आई एक सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, सब्जेक्ट। ओके जी, यू के साथ थिंक, ये लो सब्जेक्ट और वर्ब। दो दो सब्जेक्ट मिल गए इज इक्वल टू दो वर्ब मिल गई। अब हमारा बच्चा मैम हु को क्या करे? हु को क्या करोगे भाई? अब अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर ऑफ सब्जेक्ट अगर नंबर ऑफ वर्ब के इक्वल है, तो आप हु नहीं होम लिखिए, क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए। ठीक है जी, क्या करोगे? ऑब्जेक्ट बना लो। बना लो तो हमने कहा हु नहीं, किसका प्रयोग करेंगे? होम का यूज करेंगे, और हु में ही हमारा यहाँ पर एरर है। इसकी ट्रिक मैंने आपको समझाई, नंबर ऑफ सब्जेक्ट शुड बी नंबर ऑफ वर्ब। ये दो, ये दो, ये किसका पता नहीं, इसलिए इसको सब्जेक्ट मत बनाओ। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एवरी वन वो हैप्पी टू हियर अबाउट हिज सक्सेस। मैंने कहा सब्जेक्ट क्या? एवरी वन, इसका वर्ब क्या? वर। गड़बड़। हम देखिए बच्चा, जो ये होते ना एवरी वन, एवरीबडी, नबडी, तो इन सब के साथ हर एक, क्या कहना चाहते हैं हम? हर एक, एवरी वन, एवरीबडी, ये होते हैं सिंगुलर। मैंने कहा हर कोई, हर कोई मतलब कि एक एक पर्सन की हमने बात कर ली, तो इसको वर नहीं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे एवरी वन वॉज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। द लॉयन किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट। फिर से देखते हैं, द लॉयन हमारा सब्जेक्ट, लो जी मैम सब्जेक्ट। ओके, अब द लॉयन अकेला, एक लॉयन की बात नहीं हो रही है, ये पूरी की पूरी कैटेगरी की बात हो रही है ना? क्योंकि अगर अकेला लॉयन लिखना था तो कोई बात नहीं, हम लॉयन लिख देते, अ लॉयन, है ना? पर हम कह रहे हैं द लॉयन, जैसे कि होता है ना कि द लॉयन लिखने से ना शेर, सारे शेर, है ना, सारे जो शेर हैं या शेर की जो प्रजाति है वो क्या करती है? एनिमल्स को किल कर देती है। और किल द एनिमल्स एंड ईट हिज मीट, हमने कहा किल द एनिमल्स, ये तो ठीक है, एंड कंजंक्शन है, एंड से पहले ठीक है, हमने मारती और खाती है। पर जब मैंने पूछा हिज, एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के यही एरर आते हैं। जब भी आपको प्रोनाउन दिखे ना, तो अपने आप से एक क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन करेंगे? हिज किसके लिए यूज हुआ है बताना यार, मीट किसका, एनिमल का या एनिमल्स का? तो आप कहेंगे मैम एनिमल्स का, तो सिंगुलर के लिए हिज कैसे यूज, प्लूरल के लिए हिज कैसे यूज कर सकते हो? तो आई मस्ट से कि आपको हिज की जगह क्या यूज करना चाहिए था, प्लूरल है तो हम देयर का यूज करें। ओके जी भाई, प्लूरल है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। तो सबसे पहले देखते हैं ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, इसको चेक कर लो भैया। सबसे पहले वर्ब को जरूर चेक करके आइए। अब मैंने कहा आर मतलब कि प्लूरल, किसके लिए यूज हुई है चेक करके आओ। मैंने कहा नीदर, नीदर हमारा सब्जेक्ट, ये लो जी बेटा, नीदर एक प्रोनाउन है ना, अभी समझाया भी था शुरू में, मतलब कोई सा भी नहीं, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं हम। तो ये हमने कहा प्रोनाउन। इसके बाद ऑफ क्या है, प्रपोजिशन। अगर आप मुझसे पढ़ते हैं मेरे पेड बैचेस में, तो मुझे लग रहा है बच्चों को हलवा लग रहे होंगे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आसान चीजें हैं यार। प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा मैम, ये लो जी द थीम्स, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा वर्ब, बेटा वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी बताया था यार, सब्जेक्ट हस्बैंड है, वर्ब उसकी वाइफ है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो सब्जेक्ट तो नीदर है, नीदर और आर, ये तो गलत चीज है। नीदर क्या होता है, एप्पल और ऑरेंज, याद करिए शुरू में मैंने बोला था एप्पल और ऑरेंज में से एक ही ले रहे हो, है ना, एक नहीं, एक भी नहीं ले रहे हो, तो भैया प्लूरल क्यों लगा रहे हो यार, सिंगुलर लगाओ। तो नीदर हमेशा किसको फॉलो करता है, सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको, क्यों यूज हुआ यहां पर इज, ये भी समझ में आया, इज इसलिए यूज हुआ क्योंकि नीदर यहां पर सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रपोजिशन है, और उसके बाद प्रपोजिशन के बाद तो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आना जरूरी है यार। और भैया प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। मोहन्स आईज, ये लो, मतलब इसको भी हम सोचेंगे क्या यार, हा? जैसे आपने कहा राम की बुक, तो हम लिखते हैं ऐसे। अगर मैंने कहा कोई प्लूरल, ये होता है पजेसिव केस, राम की किताब, इसकी हिंदी होती है राम की किताब, पर ये तो मैम ठीक नहीं लिखा, मोहन्स के बाद एपोस्ट्रोफी, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर ये कभी देखने को मिलता भी है तो पता है कैसे देखने को मिलता है, मैं बताती हूँ। जैसे देखो यहां तो ये ठीक है, पर यहां पर ये गलत है। क्यों है ऐसा, क्योंकि प्लूरल, प्लूरल को आप ऐसे लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, आप इसे लिखते हैं ऐसे। क्यों लिखते हैं ऐसे, वो मैंस तो नहीं लिखते ना यार, यहां एस लिखे फिर एपोस्ट्रोफी, ऐसे लिख दें राइट। और बताती हूँ विमेन में भी, आप छोड़ो बॉयज, समझते हैं बॉयज, बॉयज क्या है प्लूरल, अगर मुझे इसका बनाना हो तो पजेसिव केस, लड़कों की किताबें, लड़के की तो ठीक थी बॉयज, ये लो, पर मैंने कहा लड़कों की तो बॉयज। अब इसका जो एपोस्ट्रोफी है बस यहां लगा के एस मत लगाना इसके पीछे, ठीक है, थोड़ी सी बात समझ में आई। जैसे कि गर्ल्स कॉलेज, गर्ल कॉलेज होता है या गर्ल्स कॉलेज होता है, लिख के बताओ मुझे, गर्ल्स हॉस्टल लिख के बताना कैसे लिखोगे, मतलब तुम लिख पा रहे हो क्या, इसमें लिख पाओगे क्या, कमेंट में लिख पाएंगे भाई। प्लूरल को ऐसे लिखा जाता है, जैसे मैं आपने कहा गर्ल्स, तो इसको ऐसे लिखिए, प्लूरल के साथ ऐसे लिखते हैं, सिंगुलर के साथ ऐसे नहीं लिखते। सिंगुलर को लिखने के लिए आपको यहां पर लिखना चाहिए है मोहन एपोस्ट्रोफी एस, है ना, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर। अब देखो जो पढ़ते हैं अच्छे से, जिनका एग्जाम है, उनको तुरंत याद आ रहा होगा विद अ व्यू टू, इन एडिशन टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, अक्यूज टू, ये वर्ब है मैम, इनके बाद आई एन जी आता है। ठीक है, तो वैसे तो आपको भी देख लेनी चाहिए, और एग्जाम है तो जरूर पता होना चाहिए यार, इन एडिशन टू, ये सारे के सारे, इनके साथ हमेशा जेरंड का प्रयोग किया जाता है। पर फिर भी अगर नहीं आता तो देखिए, ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू, एक इरादा, इरादा टू यहां पर एक प्रपोजिशन, और सिक्योर यहां पर एक वर्ब, पर प्रपोजिशन के बाद तो मैम आपने कहा था प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट आएगा, ये कहा था ना मैंने,
हाँ जी मैम, आपने यही कहा था कि प्रेपोजिशन है वो यहाँ पर 2+V1 का केस नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है। एक्चुअली बेटा एकदम सच्ची बात बताऊँ तुम्हें, आज एक 2+V1 कुछ होता ही नहीं यार, एकदम फालतू बात है जो बचपन से तुम या फिर इधर उधर कुछ भी पढ़ के 2 के बाद V1, 2 के बाद V1, ये कोई सेंस है क्या? 2 के बाद V1 किसने कहा? 2 के बाद V1 आती क्या होता है ये 2+V1? अगर ये, पहली बात तो आती नहीं, दूसरी बात अगर आती है तो ये होती है इन्फिनिटी 2+V1, जो कि एक नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? नाउन। और नाउन कैसी? पर्पज। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मार्केट, या फिर आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय अ ड्रेस। मैं मार्केट जा रही हूँ क्या करने? ड्रेस को बाय करने। तो जब तक पर्पज नहीं होता तब तक इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी को कहते हैं 2+V1, 2 के बाद V1 आती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो हमने कहा 2 एक प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद तो मैम प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट लगाओ, और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊँ अब मैं भाई? वर्ब को कितना आसान है वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना, कुछ भी नहीं, ING लगा दो, ये लो वर्ब प्लस ING। अभी सिखाया था ना स्विमिंग, प्लेइंग, टीचिंग, ये सारी हमारी सब्जेक्ट भी तो बन सकती हैं, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाइए इसको। हमने कहा सिक्योरिंग, क्या यूज करो? सिक्योरिंग। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे मुझे क्या हो गया? तेरे को, तेरा दिमाग चल गया बस, और तो क्या, कतई अच्छा पढ़ाती हो आप। ओके जी, चलो आज का फिर सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और हम नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। फटाफट देखो, कम की प्रैक्टिस करो, कोई इशू नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी 1,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, नहीं यार, 1,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाना है, एक भी करना है, लेकिन एक का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए ना कि जिरेंड का क्वेश्चन तो पूरे जिरेंड को एकदम दिमाग में सेट कर दो। 2+∞, इन्फिनिटी का यूज है, एकदम सेट कर दो। पार्टिसिपल का कैसे? पार्टिसिपल सेट होना चाहिए। मैंने कहा अगर स्पेसिफाइड आर्टिकल कैसे, तो आर्टिकल सेट होना चाहिए दिमाग में। यार आज ही हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, सारे के सारे अगर दिमाग में सेट है तो कॉन्सेप्ट तो 200 ही है, तो 30-30 करके अगर 5-6 क्लास ली जाए तो ग्रामर खत्म हो सकती है, नंबर तो अच्छे आ सकते हैं। लेकिन हमारी कमियां हैं, हम सिर्फ एरर ढूंढने भागते हैं। एरर मिल गया, अरे वाह, है ना? ऐसा नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े, डिटेल्ड पढ़े। डिटेल्ड सॉल्यूशन ना पढ़ने की वजह से आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते, ट्रस्ट मी यार, मैं एकदम सच बोल रही हूँ। इसका कारण यही है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम मैंने ना ये किताब पूरी लगा दी। भाई तूने लगाई है बस, समझी नहीं है, है ना? ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया है और आपको पसंद भी आया होगा। ओके जी, बाय बाय। मजा आता है आपसे पढ़ के, मुझे भी आपको पढ़ा के बहुत मजा आता है। आपका बर्थडे 4th of January को है मोहित, ये वाली बात तो आज मैंने किसी क्लास में बताई थी। तुम उस क्लास में थे क्या? माई फर्स्ट क्लास। ओके जी, वेलकम, हैप्पी बर्थडे। अभी तो 4 जनवरी को है, वो कह रहे हैं। ओके बेटा, गुड नाइट। सुमित, महेंद्र, मोहित शर्मा, रिहान, बाय बाय। मैम क्लास क्लास कब कब होती है बेटा? मंडे, वेनेसडे और सैटरडे, 3 दिन यूट्यूब पे क्लास होती है और एप्लीकेशन पे डेली होती है। पेड क्लास में क्लोज टेस्ट भी होगा, ऑब्वियसली कॉम्प्रिहेंशन तो होगा ही होगा, मेरा भी है। ओके अच्छा, इसलिए तू इतना परेशान हो रहा मोहित। मैम नोइंग भी, व्हाट नोइंग मुकेश? नो के साथ ING नहीं आता है ना, ये भी पढ़ा होगा। नो के साथ ING नहीं आता, लव के साथ ING नहीं आता, है ना? ये रट्टे मारने बंद कर दो, सहूलियत हो जाएगी भाई। है मुकेश, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये रूल रेगुलेशन भाषा में कभी काम ही नहीं करते। ठीक है, सुपर मैम, मजा आया। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।